तुम्हारा मियाँ मैंने चुरा लिया, अभी उसको रोकना मत। क्या मतलब? मैंने कहा 11 बजे आ जाऊंगा, रात को आराम से बैठेंगे और लोगों को बुलाते हैं, गीबत करेंगे। क्या है आपके पीछे भेड़िया टाउन के पीछे क्यों पड़? नहीं नहीं बाबा, हम दोनों में से कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। इफ यू नीड टू गो ओवर टाइम तो जा सकते हैं, मगर बता दें। नहीं, किसको बता दूं? उसको क्या, एमसीआर को बता देगी ना? मैं नवीद काशिफ साहब को बता देते हैं ना, मैं नहीं किसी को बता रही अभी। बता दें किसी को, ओवर टाइम लेना हो तो। नवीद काशिफ साहब से बात कर लीजिए। आपको दो बातें बता रहा हूँ मैं। हेलो नादिया, एक तो ये है कि ब्रेक में प्रेशराइज नहीं करना, अगर आप देखें फ्लो बना हुआ है, आप बता दें एंकर को, और जैसी हो सकेगा मैं ले लूंगी, हो सकेगा वो खुद ले लेंगी, लेकिन बीच में आप बोलते ना रहना और ब्रेक खत्म होती है हो जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने ओवर टाइम जाना हुआ तो हम ओवर जाएंगे, अभी से आप एमसीआर को बता दें, कोड ऑफ कंडक्ट का तो जिक्र करें। हाँ वो आपको शुरू में ही करना था, किया ही नहीं आपने, मगर वो बात तो कर चुके हैं कि मेरे केसेस ना सुने। नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि ये उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट ये कहते हैं, आपको क्या जवाब देंगे? सुप्रीम कोर्ट की सेक्शन 4 है जो उनकी अपनी वेबसाइट पे, उनका जाब्ते अखलाक में कहा है कि अगर आपका, मैं बता देती हूँ, अगर आपका किसी से कोई रिलेशन हो या किसी के वकील से, एक की पार्टी या दूसरी पार्टी के वकील से ज्यादा लेन देन हो, आप छोड़ देंगे, या किसी को आप जानते हो, तो वो देखे को जानते, दुश्मनी हो। नवीद साहब जी, नवीद साहब सलाम अलैकुम, मुझे मिल गई है, मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन, मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। ओके बाय, ओके बाय। ओवर टाइम जाए, मलिक साहब को ना टोके। आज तारीख चेंज हो रही है और इंशाल्लाह कोई धमाका तो दियो, मैनू दिता तो देना तो पाया, तुम आगे तो सारे इकट्ठे मंग दियो। आहो फायदा की, मैं एक तेरे से धमाका रखा था, एक मेरा से मैनू तो दिता नहीं हले जिक्र, मैं कैसी कल अगले प्रोग्राम में जाऊंगा, मेरा कमिटमेंट है। आज चौथा क्वेश्चन तुम देता है, स्टैंड बाय। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं दुनिया स्पेशल और आज मैं मेहर बुखारी और लुकमान मुबशिर साहब इधर मौजूद हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मलिक रियाज साहब से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या किरदार अदा किया था, बताएंगे मलिक रियाज साहब आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ही डिडंट नो दैट वाज योर फॉल्ट यू थिंक, जिससे मुझसे गलती होगी मैंने बताया नहीं। पूछो ना, सोलोस करने वो भी बता देंगे। Just stop it. मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सवाल। You just took 10 minutes right now, so let's not get into it. I did. Yes. We'll take a break then, and let's clear the tape right now. Stop acting. No, no. I'm not. We were working fine with this thing first. No, no. Let's divide it up. Then, I mean, take it easy, okay? I haven't spoken for the last 10 minutes. What are you talking about? जी शिफात। गर्म है क्या यार? गर्म होनी चाहिए। अपना मैं तक की कह सकना। मरियम नवाज का मैसेज आया है कि हमारी तरफ से आप ये ऑन रिकॉर्ड कह सकती हैं कि हम गाड़ी ऑफर की थी मगर हमने शुक्रिया अदा किया था और नहीं लिया था। हमजा शहबाज ने आप ये कह रहे चुप कर जा, रिकॉर्ड होनी है, बड़े बच्चे चाहे गर्म करके लिया, माइक्रोवेव रख के बिजनेस भी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रही है, गलत कह रही है, गर्म नाराज हुई है, नहीं गुस्सा चढ़ा है उसको ना। क्या कि मैंने कहा है कि बच्चे हैं, ये हैं, वो है, पर्चे होते हैं ना, पंजाब से पर्चे होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब हो और पर्चे हो रहे हो हमारे ऊपर रोज और हम उनकी तारीफें करें। I have a better idea now. You both can be happy. Divide it up. You ask your questions, then you say this, then I talk, then I say this. आप बोले हम यार ना करना, मेरा प्रोग्राम ना खराब करें, चुप करके बैठो। मेरा प्रोग्राम चाइल्डिश दैट वे बाय द वे, मेरा अल्लाह तो वाकई मेरा प्रोग्राम ना खराब कर लें। आई एम चाइल्डिश, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अल्लाह तो वाकई यार, ये कोई सारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अल्लाह की कसम, आप चला लें अपना चैनल भी चला लें खुदा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? उमर देखें अपनी, देखें मुबशर पहले नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए था, मैं तो शाम से कह रही थी उठाएं कुर्सी, बच्चों वाली हरकतें हैं, क्या हो गया यार मुबशर, प्लीज मेरे ना बड़ी ज्यादा हो जाएगी, क्या ज्यादा हो जाएगी मुबशर, मुबशर ला लें उन्हें, अगर आते हैं तो आ जाएं, क्या कर रहे हैं अब आप मुबशर, बच्चों वाली हरकतें ना करें, एक टाइम लेने के ऊपर आप नाराज हो रहे हैं,
आप ले ले, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं उठ के नहीं जाती। मुबशर उमर वेख ते गल्ला वेख, हद हो गई है। बस इन्हीं को मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे नहीं मैसेजेस आ रहे कि लुकमान को बंद कराओ बोलो। मैं आपसे इसीलिए कह रही थी ये नहीं करें। लुकमान को क्या कि बस करो, लुकमान ही बोला जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करो कि बोल लेते। मुझे भी उनको लग रहा है बस उनको मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं, दो मिनट वो एक्स्ट्रा ले लें, दो मिनट मैं ले लूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। बना लेंगे उसे, बना लेंगे। क्या अब वो चेयर हटाएं जल्दी से। मरियम को आपके पास फोन है? है, मरियम को मैसेज करें, वो मना ले उन्हें पीछे से। और जाओ मेरी बेटी को मरियम को मना ले, मरियम मना ले उनको। मरियम ने बुलाओ है, मरियम बुलाओ, मरियम। सेकंड सेगमेंट की चेयर हटा दे, इधर ही रखें, वो आएंगे वापस तो फिर डलेगी चेयर। और मरियम ने बुलाओ, उन्हें कहा है कि गाड़ी जरूर ऑफर की थी, हमने थैंक यू करके नहीं ली थी, ये प्लीज ऑन रिकॉर्ड कह दो। वो कहती हमने गाड़ी नहीं ली थी, हमजा भी कह रहा है, हमारी तरफ से कह दो। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू दुनिया स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं उसके लिए मलिक साहब ऑन एयर कहना है कि आपने और नियाम ने मुझे प्रेशराइज किया इस प्रोग्राम के लिए, हट गई मेरी कुर्सी। चलो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, और एक छोटे से वक्फे के बाद लुकमान साहब हमारे साथ फिर हाजिर होंगे और तीखे तीखे सवाल पूछे जाएंगे मलिक रियाज साहब से। बी राइट बैक। अल्लाह खुदाया, इससे दुखी हो गए। अब वो बात नहीं तो ये बात, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी। अच्छा माफी, माफी तो हो सकती ना, बड़ा भरा माफी मांगता थे। मैंने आपको ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी शो से पहले कि मूनस के क्वेश्चन पे आप कुछ ना कहिएगा। मैंने आपको कहा था कि आप उस पर नहीं कहेंगी अभी। नहीं आपने, मैंने कहा था ना उससे सवाल पूछूंगी, आपने कहा ना उसकी तारीफ ना लेना। मैंने आपको कहा था, मैंने आपको किसी पे नहीं कहा था, मैंने आपको एक सवाल पे कहा। चल माफी, सवाल ना पूछना, क्यों ना पूछूं मैं? उसकी वजह कि उसका रेलेवेंट नहीं है। मैं डिसाइड करूंगी रेलेवेंट क्या है या कोई और। माफी 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 माफी, आप अपने सवाल रेलेवेंसी डिसाइड करें, मैं अपने सवाल रेलेवेंसी डिसाइड करूंगी। लेकिन प्रोग्राम सारा खराब हो जाएगा काशव, मेरी जिंदगी था, मेरा देख मेरी गलत पूरी मेरी जिंदगी स्टेक थे मेरी जान। मैं खाली को टीवी प्रोग्राम से नहीं आया था। प्लीज चेयर अप नाउ, फॉरगेट इट, यू वर टेलिंग मी ना प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल नाउ। मैं इसमें भाई हमारा ठीक है, प्लीज आप बच्चियां मेरी बेटियों की तरह देखिए। अगर आप ला रही हूँ लोगों को भेज रही हूँ मनवाने के लिए, ये वैसे उन्हें क्या मरियम को, मरियम मैंने को कहा मरियम को फौरन क्यों गलती हो गई यार, अब क्या अब लड़ाई करनी, गलती नहीं हो जाती काशव ना, दोस्ती है तो मैं और सारे माफ नहीं गलती नहीं की, मुझे कोई माफ नहीं करना। अभी ऑन ये गया होगा पहले मेरे साथ क्या क्या नहीं गुजरी मैं एक लाइव शो से। अच्छा भाई हसन, अच्छा ये क्या क्या ये पहले ये गया होगा ये जो इनका जो चला गया ऑन एयर, बच्चा ये कवर अप हो जाएगा, रिपीट में काट देंगे। हाँ चलो खैर, मैं कहूंगा मैं उस बंदे को मिल के आया। किसको? बाहर अल्लाह वास्ते ही मैं उस बंदे ने मिलन गया था बाहर। क्यों जी, क्या बात हो रही थी वो भी भूल गई मैं सारी। चले कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, इतना अच्छा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। You think you're getting messages? I'm also getting messages. अच्छा मैं tell him to give you a chance. बेटा यार वो क्या, ये हमारे से भाई है, आप बेटी हैं, इसके साथ हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता, खुदा की कसम हमारे खानदान का पूरा। और मेरा बेटा तो किसी साफिर के सिवाय मुबशर के अलावा उसके साथ कोई थ्रू नहीं है। अच्छी बात है बहुत, मुझे क्या गिला इस बात से मुझे बताएं। All I'm saying is be professional. चले कोई बात नहीं, आप ये भी भाई है आपका, कौड़ा है लेकिन अच्छा है। अब कितनी देर लगेगी और? You deserve this today, Malik sir. You deserve it. Does he not deserve this today for doing this? अब मैं ही हाथ जोड़ता था उनके आगे भी हाथ जोड़ रहा हूँ। I know. We shouldn't give you more stress. I'm sorry. कितनी देर दे? आई तो ऐड ही ऐड है थोड़े को, मैं अद्धे पैसे तो मिलते शुरू। ले लो सर। तुसी कहने मैं उस बंदे को मिलके आया। मैं तो कहूंगा बंदे को मिलने से क्या बड़ी बात है, क्या उसके पास भी डॉक्यूमेंट थे ना आपके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। अच्छा बाहर कोई आ रहा था? ले जी मैसेजेस भी आना शुरू हो गए। क्या मुझे लाइव गया है? क्या गया है?
लाइव किया गया है। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू दुनिया स्पेशल ट्रांसमिशन। हमारे साथ मुबशर लुकमान साहब भी मौजूद हैं। हमारे प्रयास साहब का इंटरव्यू करें। अगर ये आउटराइट वॉर डिक्लेयर हो गई है तो इसका इंतकाम क्या होगा? ये नहीं नाम बताएंगे उस फीमेल कंपेनियन। नहीं, नाम नहीं चाहिए, पहले से शर्त लगा। नाम हमें चाहिए भी नहीं है, मगर इशारा जरूर दिया जाएगा आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। इतना सख्त बंदा आज मैं मोनोसर भी कहना मैं कहा इतना जज्बाती है, तेरा प्यार करता है कि जिन ताई कोई नहीं। चलो मोस्ट एरियाज ऑफ लाहौर दुनिया टीवी ट्रांसमिशन ब्लॉक्ड। क्यों जी? नहीं ये क्यों, हम एमकेएम के खिलाफ तो नहीं बात कर रहे? क्यों मरियम, क्या था जा रहे हैं? खुश नहीं है तू? डू यू वांट टू क्लियर आवर नेम्स ओवर हियर दिस थिंग और नो? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बहुत एडिक्वेटली कर लिया पहले, वो लगेगा हम बार बार कर रहे हैं। मेरी गल सुनो, बंदे का नाम क्यों ले? बता मेरे तो मेरे को पाते मैं कुछ तो पाना सी ना गुस्सा था। हाँ ठीक है, यह सही है कि इन्हें 60 लाख का चेक दिता है खलील नू। खलील नू को तो खलील नू टका नहीं दिता, कहना कोई लंदन का बंदा उन्होंने दिता 45 लाख का चेक। पैसे तू मेरे लगे चेक, तू अमरीका दे आया कदों दिता? मैं की पता कदों कैश तो नहीं होया? मैं पता ही नहीं, पैसे मैं दिते ना, चेक तू अमरीका दे आया। ये सवाल ने जवाब देना बड़ा देना पैना, खुदा ला वास प्रेशर आई वाला। कौन सा जी? लाइव कह गया मुबशर। क्या मैनू तो पता ही नहीं से लाइव हो रहा, ना मैंने दसिया किसी ने, नॉट ईवन कैमरा मैन वगैरह ने। असि तो बहर भेजा सी मरियम ने, मना के लिया। असि सारे नाल ही अंदर आए, किसी ने नहीं दसिया। वो बाहर बत्ती ऑन होती है, नोट नहीं की ना किसी कैमरामैन ने कहा, बल्कि ये तो मेरे साथ आए बाहर से। कैमरामैन तो आपके ये थे ही नहीं अंदर? नहीं, ये बाहर थे। आप लोगों के बगैर ऑन एयर हो गया शो जी? तो मैं तो कैमरामैन के साथ आ रहा हूँ अंदर, मुझे क्या पता था? अभी तो 15 मिनट ही रहेगी, मेरे पास तो अब कुछ नहीं है पूछने को। तुम चस्के ना लाए ना, भैरिया से निकल जाते हैं। बड़े बंदे हो तू, मच भैरिया अली भी बड़े समझ लेता ना, कभी बड़ा देखा जी सर बने हैं पर नहीं सर, तो भी माशाल्लाह बड़े बंदे हो। दुनिया टीवी बंद हो गया, किस विच केबल है? क्यों अपना पंजाब वाले क्यों है कर रहे हैं? बस देख ले चौधरी निसार की वजह करके और कदरी कर रहे हैं। तो खुद बोल देना, वैसे हम क्या सवाल पूछे, लगेगा प्लांटेड है जो के है, बट पता नहीं लगना चाहिए। वापस आने का शुक्रिया। मलिक रियाज साहब कहते हैं कि मैं किसी भी कोई भी ऐसा जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, मगर जब इल्जाम लगाने पे आते हैं तो वो तो खरे खरे लगा देते हैं आप आराम से। मलिक रियाज साहब थैंक यू वेरी मच इंडीड, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अरसलान ने जियो पे चले जाना है।